तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्यो हेल्प में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वोटर कार्ड को डाउनलोड कैसे करें। जी दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जो है 2-3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें दोस्तों आप सभी जो है अपना वोटर कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी जो है अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपने वोटर कार्ड को अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से जो है उसको पीडीएफ के माध्यम से उसको प्रिंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये जो है आपका वोटर कार्ड बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, यहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी वर्क करेगा। यहाँ पर तो आप वोटर कार्ड डाउनलोड करोगे ये ओरिजिनल वोटर कार्ड होगा। तो दोस्तों कैसे आपको डाउनलोड करना है तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर दोस्तों चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको रोजाना इसी तरह की काम की और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की ब्राउज़र में आ जाना है। दोस्तों आने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर सर्च करना है nvsp.in, ये लिख के आपको सर्च कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप इसको लिख के सर्च करते हो तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसको जो है डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में करोगे तो आप यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 न्यू ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड ईपिक, डाउनलोड ईकेवाईसी, तो ये नए 2 यहाँ पे फ्यूचर्स आए हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन एंड रजिस्टर का। तो आपको अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए इस लॉगिन एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं आपको अपना यहाँ पे यूज़र नेम और आपको अपना पासवर्ड डालना है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे अपना अगर ID नहीं बनाई है, रजिस्टर नहीं की हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डू हाई ऐप रजिस्टर ये न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पे दिया है, इस कैप्चा कोड को आपको डाल देना है। इसके बाद में आपको सेंड OTP का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, आपके नंबर पर OTP कोड जाएगा, फिर आपको वो OTP कोड इस बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, आई हैव ईपिक नंबर, आई डोंट ए ईपिक नंबर। दोस्तों आपके पास EPCI नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे आई डोंट हैव EPIC नंबर पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे इंटर ईपिक नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है अगर आपके पास ईपिक नंबर नहीं है तो। इसके बाद में आपको ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप जो है इसमें रजिस्टर हो जाते हैं, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन का, तो आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले ही रजिस्टर कर चुका हूँ, चलिए मैं यहाँ पे जो है लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल दिया, इसके बाद में मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे कैप्चा कोड मेरा गलत हो गया, फिर से यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं लॉगिन हो चुका हूँ। जो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हो तो आपके सामने जो है इस प्रकार से पेज डिस्प्ले हो जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड ईपिक का और EKYC न्यू का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड ईपिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से ये पेज डिस्प्ले हो जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपका ईपिक नंबर मांगता है, जो आपका जो यहाँ पे पहचान पत्र होता है वोटर कार्ड उस पर आपका यहाँ पे नंबर दिया होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे अगर दोस्तों आपने जो है अपना वोटर कार्ड नया बनवाया है, नया बनाने को दिया है, तो आपको एक स्लिप मिली होगी, इसमें आपका रेफरेंस नंबर होगा। तो आपको यहाँ पे अपना ईपिक नंबर डाल के या रेफरेंस नंबर डाल के जो है यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करोगे, तो इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना ईपिक नंबर डाल के सर्च पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना ईपिक नंबर डाल दिया है और यहाँ पे अपना मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ, दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो जैसे ही अपना यहाँ पे ईपिक नंबर डाला और डाउनलोड जो है इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक सर्च पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक जो है लिख के आ चुका है, ईपिक डाउनलोड फैकल्टी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2021 अवार्ड। मतलब कि मेरा जो यहाँ पे वोटर कार्ड है वो पुराना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपका जो है 25 जनवरी से
वोटर कार्ड जो है पुराना है तो आप जो है इसको यहाँ से अभी डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों जैसे आप जो है इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है क्या करना होगा, इस पर जो है आपको अपने वोटर कार्ड पे केवाईसी करानी होगी। तो दोस्तों केवाईसी कराने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि वो नीचे एक केवाईसी का ऑप्शन था, तो आप जो है वहाँ से अपने वोटर कार्ड पे केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि केवाईसी दोस्तों आप जो है 1 फरवरी 2021 के बाद ही कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपका जो है 25 जनवरी से 2021 के इधर का अगर आपका वोटर कार्ड है, नया कार्ड है, तो आप जो है अपना यहाँ पे इपिक नंबर डाल के बहुत ही आसान तरीके से अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपका ओल्ड वोटर कार्ड है तो उसके लिए आपको पहले केवाईसी करानी होगी। तो दोस्तों जैसे ये 1 फरवरी को जो है केवाईसी का ऑप्शन लागू हो जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरह से आप जो है अपने वोटर कार्ड में केवाईसी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।